साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। राखी सावंत इन दिनों अपने पति आदिल दुर्रानी की वजह से सुर्खियों में है। राखी ने आदिल दुर्रानी पर कई संगीन आरोप लगाकर उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है। हालांकि आदिल पहले शख्स नहीं है जिनसे राखी का अफेयर रहा हो और उस पर राखी ने आरोप जड़े हो। इससे पहले राखी रितेश जायसवाल और दीपक कलाल पर भी कई तरह के आरोप लगा चुकी है। और आपको राखी सावंत का एक्स बॉयफ्रेंड अभिषेक अवस्थी तो याद ही होगा। जी हाँ, वो ही अभिषेक अवस्थी जिन्हें राखी सावंत ने सालों पहले मीडिया के सामने जोरदार थप्पड़ जड़ा था और उसके बाद तो अभिषेक अवस्थी की जिंदगी ही बर्बाद हो गई, तबाह हो गई। अब अभिषेक अवस्थी सालों बाद खुद चलकर मीडिया के सामने आए हैं और अभिषेक ने राखी की पोल खोल कर रख दी है। अभिषेक की माने तो राखी एक नंबर की धूर्त महिला है और फेम की भूखी है, वो किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। तो अभिषेक अवस्थी ने और क्या क्या कहा राखी को लेकर, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और अभिषेक की बातों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का लेटेस्ट व्लॉग रिलीज हो चुका है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप भी जल्दी से व्लॉग देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो डांस रियलिटी शो नच बलिए 3 का वो सीजन शायद आपको याद ही होगा जिसमें राखी सावंत कोरियोग्राफर और डांस पार्टनर अभिषेक अवस्थी के साथ कई परफॉर्मेंस देती नजर आई थी। इस दौरान राखी अभिषेक के बेहद करीब आ गई थी और दोनों ने करीब 3 साल तक एक दूसरे को डेट भी किया था और शादी भी करने वाले थे। अभिषेक ने इस दौरान राखी को कई महंगे और कीमती तोहफे भी दिए थे। मगर इसके बाद अचानक एक दिन जब अभिषेक राखी सावंत के घर पहुंचे तो राखी ने मीडिया वालों को बुला लिया और खूब तमाशा किया। इतना ही नहीं, पूरी दुनिया के सामने राखी सावंत ने अभिषेक के गाल पर चांटा मार दिया। इसके बाद तो अभिषेक का बुरा दौर शुरू हो गया। अभिषेक को टीवी इंडस्ट्री में काम मिलना बंद हो गया, जो भी सीरियल हाथ में थे वो छिन गए और कोरियोग्राफी के तमाम प्रोजेक्ट से अभिषेक को निकाल दिया गया। एक चांटे के बाद अभिषेक की न सिर्फ प्रोफेशनल बल्कि पर्सनल लाइफ भी बर्बाद हो गई। अभिषेक के पिता पूरी तरह बीमार पड़ गए और मां ने भी बिस्तर पकड़ लिया। अब सालों बाद अभिषेक अवस्थी एक बार फिर से मीडिया के सामने आए हैं और मीडिया के सामने ही राखी की एक एक करनी का पर्दाफाश किया और सबके सामने आदिल दुर्रानी को सपोर्ट भी कर दिया। अभिषेक का कहना है कि मैं राखी का भुक्तभोगी हूं, मुझे पता है कि वो कैसे अमीर लड़कों को पटाती है, करोड़ों रुपए हड़पती है और फिर बेलगाम होकर मीडिया के सामने अनाप शनाप आरोप मढ़ती है। अभिषेक ने कहा राखी सिर्फ और सिर्फ पैसों और फेम की भूखी है, उसे नाम और शोहरत के अलावा कुछ नहीं चाहिए। इसके लिए वो किसी भी हद तक गिरने को तैयार रहती है, किसी की भी जिंदगी तबाह करने में जरा भी नहीं हिचकती। अभिषेक अवस्थी के मुताबिक उस थप्पड़ के बाद मैंने कभी राखी की तरफ पलट कर नहीं देखा, जबकि राखी की तरफ से मुझे कई बार कांटेक्ट किया गया, मगर राखी ने मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई थी, इसलिए मैंने कभी राखी के किसी भी फोन या मैसेज का जवाब तक नहीं दिया। मगर राखी फिर भी नहीं सुधरी, राखी ने मेरी शादी तोड़ने की ठान ली। अभिषेक के मुताबिक जब राखी बिग बॉस 14 में बतौर कंटेस्टेंट पहुंची थी तो उसने मेरे बारे में बहुत कुछ ऐसा कहा था जिससे मेरी पर्सनल लाइफ तबाह हो गई, मेरी पत्नी का मुझसे तलाक हो गया। अभिषेक ने कहा राखी ने नेशनल टीवी पर मुझे जबरन बदनाम किया था, जबकि मैं सालों पहले ही राखी से हर तरीके के रिश्ते तोड़ चुका था, मगर राखी ने एक बार फिर फेम पाने के लिए मेरे नाम का इस्तेमाल किया और मुझे बदनाम किया जिससे मेरी शादी टूट गई। अभिषेक ने बताया कि राखी के बिग बॉस में दिए उस बयान की वजह से उनके और उनकी पत्नी के बीच चीजें बिगड़ती चली गई और बात तलाक तक पहुंच गई और तलाक हो भी गया। राखी के बयान का अपनी शादी पर पड़े असर के बारे में बात करते हुए अभिषेक ने कहा उन लोगों का भी बड़ा हाथ रहा हमारे झगड़ों में। राखी सावंत ने जब बिग बॉस में मेरे बारे में बात की तो इससे मेरी पर्सनल लाइफ में काफी उथल पुथल मच गई। उस एपिसोड के टेलीकास्ट होने के बाद मेरी पत्नी अंकिता ने मुझसे कई सवाल किए, काफी असर पड़ा। नेशनल टीवी पर किसी का कुछ भी बिना सोचे कह देना, किसी के
के लिए कितना नुकसानदायी साबित हो सकता है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैं इन सब चीजों का भुक्तभोगी हूँ। अभिषेक ने कहा कि लोगों को अपनी फ्रीडम का गलत इस्तेमाल सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि दूसरा अपना स्टैंड क्लियर करने के लिए वहाँ मौजूद नहीं है और मैं इस तरह के स्तर तक गिरना नहीं चाहता। अभिषेक ने कहा कि राखी सावंत ने बिग बॉस में मेरे बारे में बहुत सारी उलझुल बातें की जिनमें एक भी बात में कोई तथ्य और कोई सच्चाई नहीं थी और राखी की इन बातों का असर मेरी शादीशुदा जिंदगी पर बहुत बुरा पड़ा। अभिषेक ने कहा, मैं आदिल दुर्रानी का दर्द बहुत अच्छी तरह समझ सकता हूँ। जो आदिल के साथ हुआ वो मेरे साथ भी हो सकता था, मगर मैं इसलिए बच गया क्योंकि मैंने राखी से शादी नहीं की थी। अगर मैं भी राखी से शादी कर लेता तो राखी मुझे भी आसानी से जेल में डलवा देती। अभिषेक ने कहा, आदिल दुर्रानी के इस पूरे केस में सिर्फ आदिल की एक गलती है कि वो राखी से शादी कर बैठा, वो राखी की बातों में आ गया और अब अंजाम भुगत रहा है और जेल में रहने को मजबूर हो रहा है। अभिषेक ने कहा, मैं आदिल दुर्रानी को पूरा सपोर्ट करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि राखी सावंत सिर्फ पैसे और शोहरत की भूखी है। उसके लिए रिश्ते कोई मायने नहीं रखते और अपनी पर्सनल लाइफ का मजाक खुद अपने मुंह से उड़वाती है। अभिषेक ने इंटरव्यू में कहा कि फिलहाल मेरा पूरा फोकस अपने करियर पर है। मैं अपने करियर के बेस्ट फेज में चल रहा हूं और मुझे शानदार ऑफर भी मिल रहे हैं और मैं अपने काम में काफी बिजी हूं। यही सब मैंने कभी चाहा था और मुझे खुशी है कि प्रोफेशनल रूप से सब कुछ मैं ठीक कर रहा हूं। भले ही मेरी पर्सनल लाइफ खराब हो चुकी है मगर प्रोफेशनल लाइफ में मैं काफी अच्छा कर रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं। यहां आपको बता दें कि अभिषेक जुगली चली जालंधर, चिंटू चिंकी और एक बड़ी सी लव स्टोरी समेत कई टीवी शोज में नजर आ चुके हैं और इस वक्त वो एक साथ 4 प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और अपने करियर पर ही फोकस रखना चाहते हैं। अभिषेक की माने तो राखी की वजह से उनका प्यार, शादी और दोस्ती हर तरीके के रिश्ते से भरोसा उठ चुका है। अभिषेक की माने तो राखी सावंत की वजह से उनका प्यार, शादी और दोस्ती हर तरीके के रिश्ते से पूरा भरोसा उठ चुका है। अभिषेक का कहना है कि अब उनका फोकस सिर्फ अपने करियर और अपने माँ बाप पर है। तो अभिषेक ने राखी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। आपका अभिषेक की बातों पर क्या कहना है? क्या सच में राखी नेम और फेम की भूखी है? क्या राखी पैसे और शोहरत के लिए किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर सकती है? अगर आप भी अभिषेक की बातों से सहमत है तो कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का लेटेस्ट व्लॉग रिलीज हो चुका है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप भी जल्दी से व्लॉग देखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें।